खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से है, जहां रायबरेली जनपद में प्रदेश सरकार की मंत्री और रायबरेली जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची। प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में विकास व कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके बाद सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। प्रभारी मंत्री ने इस दौरान कहा कि तहसील व थानों में शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सड़कों को दुरुस्त कराकर मंदिरों के साथ साथ आसपास भी साफ सफाई की उचित व्यवस्था कराई जाए। आइए जानते हैं इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने और क्या कुछ कहा। बैठक की आपने बैठक में क्या निर्देश दिए गए और किस चीज को लेकर बैठक की, क्या था इसमें? आज की बैठक विकास कार्यों को लेकर थी कि विकास कार्य हमारे सही हों, रायबरेली विकास की गति में आगे बढ़े, कहीं से पिछड़ने ना पाए, और इसलिए इस बैठक को किया गया था। विशेष तौर पर हमारा वृक्षारोपण पर अभियान सही हो, जो अभी आने वाले समय पर होना है, साथ ही साथ शासन व्यवस्था सुदृढ़ रहे और सारे विभाग अपने हिसाब से कार्य करें। हमारे किसी भी गांव वाले जो बेचारे आते हैं, लाभार्थी हैं या कोई परेशान व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों की बात तुरंत सुनी जाए और उनको तुरंत न्याय मिले। थाना दिवस पर एप्लीकेशन देते हैं, उसको एक महीने में पूर्ण कर लेना है, संपूर्ण समाधान दिवस में देना है तो एक महीने में पूर्ण कर लेना है, और सारे पर यह नहीं हो पाता है तो उसको निर्देश दे देने हैं कि इस पर काम नहीं हो पाएगा। देखा जाए आपके पार्टी के ही लोग, चाहे उच्च स्तरीय बात करिए, विधायक हैं, एमएलसी हैं, कई आरोप लगा रहे हैं कि राजनेताओं की जो है अधिकारी सुन नहीं रहे, जिससे सरकार की चमकी मिल रहा है। क्या आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? अब ऐसी तो कोई बात नहीं है अधिकारियों से, मैंने खुद भी डीएम मैडम है उनसे कहा, अभी हमने दोनों लोगों से बात की है कि हमें पार्टी नहीं बनना है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी बात को सुनना है। जब हम न्याय की कुर्सी पर बैठे होते हैं तो कोई अपना और कोई पराया नहीं होता है, हमें जो वास्तव में परेशान व्यक्ति है हमें उसकी मदद के लिए आगे आना है। इसमें हम जात वर्ग को नहीं देखते हैं, बिल्कुल न्याय संगत कार्य करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य और काम में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की, हाँ, रायबरेली पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि थाना दिवस, तहसील दिवस में पीड़ित आए हुआ कोई भी व्यक्ति, उसकी एप्लीकेशन को एक महीने से ज़्यादा लिंगरण नहीं किया जाएगा। यदि हम उस पर काम नहीं कर सकते, वो गलत काम बता रहा है, तो उस काम को हम उस पर लिख देंगे ये काम करने योग्य नहीं है, लेकिन हम उसको बहकाएं नहीं। फिर वो दोबारा रहा, तिबारा रहा, वो एप्लीकेशन दोबारा तिबारा नहीं आनी चाहिए। हम सारे जनप्रतिनिधियों को कहा गया है कि तहसील में जाएं, संपूर्ण समाधान के उसमें बैठें और समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य करें। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा एकदम साफ है, वो बिल्कुल चाहते हैं उत्तर प्रदेश बना रहे और कहीं किसी के साथ अन्याय ना हो। आपकी पार्टी के पूर्व मंत्री मोती सिंह ने जो है स्टेटमेंट दिया है कि तहसीलों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एप्लीकेशन को लिंगरान कर दिया जाता है, जिसके कारण हम सभी लोग बैठने लगे हैं। ये भी मैंने यहाँ भी आज कहा है कि हमें पार्टी नहीं बनना है, हमें सब काम करने हैं, जो करने वाले वो करने हैं। यह राजस्व का मामला है तो राजस्व विभाग SDM ही सुलझाएंगे, DM मैडम ही सुलझाएंगी, उसमें फिर ये नहीं है कि हमारा थानेदार सुलझा रहा है और जाके कब्जा दिलवा रहा है। कब्जा नहीं दिलवाना है, राजस्व में कई मामलों में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। पुलिस तब इन्वॉल्व होगी जब उस पर आदेश होगा कि आप जाकर उसको सुलझाएं, तब पुलिस जाएगी। ऐसे कैसे चली जाएगी, ऐसे जाने का कोई निर्देश नहीं है। की DM को छोड़ दे, किसी और अधिकारी का सीओजी फोन ना उठाना, फोन सबका उठाना चाहिए, फोन हर व्यक्ति को उठाना चाहिए। वो बात दूसरी है कि सुबह के समय 8-9 बजे तक तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन किसी को दे देना चाहिए फोन। फोन तो अटेंड करना चाहिए, फोन उठाना सबकी जिम्मेदारी है, फोन नहीं उठाएंगे तो काम कैसे पूरा होगा, इसलिए फोन सब लोग उठाएंगे। की गति को कैसे और बढ़ाया जाए, सके किस तरह से, क्या उसको लेकर किस तरह से बैठक में क्या चर्चा की? उसी को लेकर बैठक हुई है कि हमारे जल विभाग में जो दिक्कत है, पानी की टंकियों की दिक्कत है, गांव-गांव में दिक्कत है, जो रास्ते खुदे पड़े हैं उनको सही कराया जाए, जो सड़कें खुदी पड़ी हैं, आपके यहाँ जो ओवरब्रिज बन रहा है, रोबी बन रहा है, उसको सही कराया जाए, रास्ते सही कराए जाएँ। आपके मोरंग जो इधर उधर पड़ी हुई है, अभी हमारे सवारिया लोग आएंगे, रास्ते अवरुद्ध हैं, उनको सही कराया जाए। सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, 2-3 सड़कें जो हमारी अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा कराया जाए, नहर विभाग की जो पट्टी टूटी थी उसको सही कराया जाए। विधायक जी सलोन ने अभी कहा था बिजली की जो बढ़े हुए बिजली के बिल हैं उसमें बढ़ा के न दिया जाए, सही सही दिया जाए और सही सही उनका बिल पेमेंट लिया जाए, जिससे बिजली विभाग दुरुस्त रहे हमारा।
जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता, क्या पार्टी विभाजित थी या कुछ और लग रहा है आपको? अब इसमें तो हम ये नहीं कह सकते, रायबरेली की जनता का मूड है, जिसको जो दे रही है वो दे रही है, वो बात दूसरी है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम विकास कार्य कहीं और नहीं करेंगे, हम अपने काम को पूरा पूरा आगे बढ़ाएंगे, हम अपने कामों को अपने गांव की जनता को विकास कार्य से और महरूम नहीं रखेंगे। हम जो भी काम है वो जरूर करेंगे, चाहे पेंशन का काम हो, चाहे बाल सेवा योजना का काम हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र का, चाहे शिक्षा जगत का काम हो, हम पार्टी नहीं बनेंगे, हम मानवता के रिश्ते के तहत ही काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी की मंशा है। रायबरेली से दनिशन भारत के लिए मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। देश दुनिया की और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें दनिशन भारत के साथ।